नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रेलवे ड्राइवर भर्ती। तो दोस्तों, RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड ने 2020 में भर्ती के लिए, ड्राइवर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती के बारे में मैं आपके लिए बताऊँगा डिटेल में, जैसे कि योग्यता, आवेदन कब शुरू होंगे, मेल और फीमेल इस भर्ती में दोनों ही क्या अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट किसकी होगी और एज लिमिट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 18 से 40 साल यहां पर दी हुई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल ही दोनों ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपकी एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को थंबनेल देखने के बाद में शायद ये डाउट हो गया होगा कि ये शायद ट्रेन के जो लोको पायलट होता है उसकी भर्ती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो भर्ती है वो फोर व्हीलर व्हीकल जो रेलवे में होते हैं, जैसे कि कार हो गए, बसेस हैं रेलवे के, और ट्रक्स, लॉरी टाइप जो होते हैं, इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं उनके ड्राइवर की यहाँ पर रेलवे ने भर्ती निकाली है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो हम जानेंगे इस भर्ती के बारे में डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, RRB रेलवे ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2020। RRB की फुल फॉर्म होती है रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड में ड्राइवर के रिक्रूटमेंट 2020 के लिए 2600 पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म पढ़ना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी होगी 2600 पोस्ट, मतलब यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 2600 पोस्ट हैं ड्राइवर की। पोस्ट नेम होगा आपका ड्राइवर, कैप्टन एंड को कैप्टन। तो यहाँ पर 2600 वैकेंसी रेलवे में ड्राइवर की निकली हुई है। हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट्स मेल और फीमेल दोनों ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन होगा। पे स्केल की बात करें दोस्तों, तो पे स्केल यहाँ पर काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपका पे स्केल 5200 रुपये से लेके 56900 रुपये पर मंथ तक होगा। तो दोस्तों, पे स्केल इस भर्ती के लिए बहुत ही अच्छा है। जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर, तो अगर हम जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया होगा। आपका एग्जाम और आपकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। एप्लीकेशन फीस है दोस्तों, यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो 500 रुपये होगी, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस होगी 250 रुपये। तो अगर आप जनरल या OBC से हैं तो आपके लिए इस भर्ती में एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी 500 रुपये, और अगर आप SC ST या फिर किसी भी कास्ट के फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो 250 रुपये होगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहां पर आपकी 18 से 40 साल तक होगी। तो अगर आप 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल आपके लिए मिल जाएगी, जैसे कि SC और ST के लिए 5 साल का प्रावधान है और OBC के लिए 3 साल का। तो अगर आप SC या ST से संबंधित हैं तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप OBC से हैं तो आपके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपका होगा स्किल टेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वैकेंसीज हैं जो वो ड्राइवर की हैं, तो ड्राइवर के लिए स्किल टेस्ट को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्किल टेस्ट क्या होगा, आप सभी समझदार हैं। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा दोस्तों आपका ड्राइविंग का, मतलब आपके लिए पहले से ही ड्राइविंग आना चाहिए। तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए वो आपके लिए नॉर्मल गाड़ी देंगे, फोर व्हीलर, उसके लिए आपको कुछ मीटर तक चलानी है, उसके बाद में बैक बैक करके और इधर उधर साइड में करके आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपका 12th पास होगा, 12th पास एंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपका अगर आप 12th पास हैं और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मतलब आपको 12th पास होना जरूरी है और साथ ही साथ 12th के साथ में आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य होगा। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 16 फरवरी 2020। तो 16 फरवरी 2020 से इस भर्ती के लिए जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने लगेंगे। तो आप 16 फरवरी के बाद में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 15 मार्च 2020। तो आपको 16 फरवरी 2020 से 15 मार्च 2020 मतलब एक महीने का जो समय मिल रहा है उस समय के अंदर आपके लिए अपना एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देना है। ऑनलाइन एग्जाम डेट अभी तक क्लियर नहीं किया गया है आरआरबी की तरफ से, जैसे ही क्लियर होगी आपके लिए बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड की भर्ती, काफ़ी अच्छी पे स्केल है यहाँ पे, और अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस और आप 12th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो 2600 पोस्ट हैं, तो 2600 पोस्ट काफ़ी होती हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए बताया दोस्तों